piece of mind. Goes like. क्या बात है सर ये बात है। Hey guys, तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई ट्यूटोरियल वीडियो में। तो जैसा कि आपने प्रीव्यू में देख ही लिया है, आज हम कुछ इस टाइप की वीडियो को एडिट करेंगे। आजकल ये रील्स बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है और इस पर व्यूज भी अच्छे खासे मिलियंस में आ रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो को क्रिएट करते हैं तो आपकी वीडियो के भी वायरल होने के चांसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो मेरी वन ऑफ द फेवरेट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले VN ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से या एप स्टोर से, एंड देन इसको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, सिंपली इस प्लस का आइकन पर टैप कर लेना है एंड देन न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर से एक वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है सबसे पहले, जिसमें लिरिक्स होंगे। सो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एक वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आपने ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन सिंपली यहाँ पर ओके कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी दोनों क्लिप्स को ऐड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद सिंपली अपनी जो सेकेंड वाली क्लिप है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। जैसे यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एंड देन सिंपली इस वाले आइकन पर टैप कर लेना है एंड वीडियो स्लैश फोटो पर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर से फोटोज के सेक्शन में जाकर आपको एक फोटो सेलेक्ट कर लेनी है जो श्री राम जी की होगी। इस फोटो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको सिंपली वहाँ से उसको डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो हमने यहाँ पर ऐड कर ली है। अब इसकी लेंथ को हम अपनी सेकंड वाली क्लिप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इस पर टैप कर लेना है एंड देन इसको यहाँ पर ऊपर ले जाकर फुल स्क्रीन का कर लेंगे हम। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर राइट स्वाइप करना है और आप देख सकते हैं लास्ट सेकंड में एक ऑप्शन आ रहा है मास्क का, इस पर सिंपली टैप कर लेना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, हमें इनमें से जो फर्स्ट वाला एक ऑप्शन है लीनियर का, इस पर टैप कर लेना है एंड आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, हमें फिर से इस पर टैप कर लेना है तो ये नीचे की साइड पर आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस जो सर्कल बना हुआ है इस पर ड्रैग करके इसको अपना जो ऑब्जेक्ट है उसके जो हेड है उस तक ले जाना है एंड देन इसको जो नीचे वाला एक एरो है इसको यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा ड्रैग कर लेना है। ओके, सो इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ओके कर लेना है। बट जो हमारे श्री राम जी की फ़ोटो है वो यहाँ पर आधी आ रही है, हम सिंपली फ़ोटो पर टैप कर लेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाकर फिर से यहाँ पर मास्क के सेक्शन में जाकर और जो ये सर्कल बना हुआ है इसको सिंपली यहाँ पर ड्रैग करके फिर से नीचे लेके आएंगे तो ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कितना अमेजिंगली यहाँ पर हमने जो हमने श्री राम जी की फ़ोटो है वो यहाँ पर ऐड कर ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें इस पर जो रील का ओरिजिनल साउंड है उसको ऐड करना है। उसको ऐड करने के लिए सिंपली म्यूजिक का आइकन पर टैप करेंगे एंड म्यूजिक पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर से प्लस के आइकन पर टैप करके एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक साउंड वीडियो डाउनलोड कर लेनी है। इस साउंड वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आपको सिंपली उसको यहाँ पर से डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर ऐड कर लेना है। आप जैसे ऐड करेंगे यहाँ पर नेम चेंज करने का एक ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर उसका नेम चेंज कर लेना है। सो मैं नेम चेंज कर लेता हूँ और सिंपली ओके कर लेता हूँ। सो इससे क्या होगा, जो हमारा साउंड वीडियो का साउंड था वो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में शो होने लग जाएगा। आपको सिंपली चूज के बटन पर टैप कर लेना है एंड देन यहाँ पर से ओके कर लेना है। सो आप देख सकते हैं हमने जो अभी साउंड एक्सपोर्ट किया था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है और हमारे यहाँ पर वीडियो क्लिप भी ऐड हो चुकी है। सो अगर आपको कुछ कलर ग्रेडिंग करनी है तो सिंपली इस पर टैप कर लेना है एंड देन फिल्टर पर टैप करके एडजस्ट कर लेना है। सो मैं अपनी जो वीडियो है उसकी जो एक्सपोजर है उसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टमेंट करके ओके और मैं सिंपली इसको ओके कर लेता हूँ। सो हमारी वीडियो यहाँ पर कम्प्लीटली एडिट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, एक लास्ट स्टेप करना है। सिंपली हमारे जो दोनों क्लिप्स है उसके बीच में एक प्लस का आइकन बना हुआ है, इस पर टैप कर लेना है और यहाँ पर से जो फर्स्ट वाला एक एनिमेशन है इसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। इसकी ड्यूरेशन हमको 0.80 सेकंड तक ही रखनी है एंड सिंपली ओके कर लेना है। अब हमारी वीडियो यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब मैं आपको सिंपली इस वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आपने देखा हमने कितनी इजीली अपने इस वीडियो को एडिट कर लिया है।
अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप हमें इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हमें क्या करना है, इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करना है। गैलरी में सेव करने से पहले हमें क्या करना होगा, सिंपली ओरिजिनल पर टैप कर लेना है और इसका एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन यहाँ पर 9x16 कर लेना है। देन उसके बाद क्या करना है, सिंपली इस वाले आइकन पर टैप कर लेना है और यहाँ पर से अपना एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर ओके कर लेना है। तो जो हमारी वीडियो है हमारी गैलरी में सेव होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस वीडियो को क्रिएट करूँ तो आप सिंपली हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ नाच के पागल हो या पागल होके नाचो मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।